गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज भी मेरा ब्लॉग जो है वो टॉयलेट से शुरू हो रहा है, क्योंकि अभी जस्ट वीडियो अपलोड किया मैंने और कई लोगों को प्रॉब्लम होता है जब मैं टॉयलेट वर्ड यूज करता हूँ तो वॉशरूम यूज करने के लिए बोलते हैं। भाई वॉशरूम वेस्टर्न वर्ड है, थोड़ा भारतीय बनो, थोड़ा इंडियन बनो। इंडिया में क्या बोलते हैं भाई, टॉयलेट ही बोलो। वॉशरूम किसे कहते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वहाँ एकदम फैशनेबल ना कि आई वॉन्ट टू गो टू वॉशरूम ना, ऐसा क्या है भाई। थोड़ा हिंदुस्तानी बनो, थोड़ा देसी बनो। हम लोग गाँव के रहने वाले हैं, हम लोग ऐसे बोलते हैं। हम अपने तरफ से जिएंगे, अपना तरह से जिएंगे, कोई हमें बदल नहीं सकता, ठीक है। और आज सुबह सुबह गाउजी ने फिर से जो है आज क्राइम किया। इन्होंने क्या किया बताओगे, बताना चाहोगे क्या क्राइम किया? हाँ हाँ, तो एक्चुअली जो है गाउजी आज फिर से चोरी किया दोस्तों। इतना बड़ा मुर्गा लेके आ रहा था, अच्छा हुआ अंकल लोगों ने देख लिया और इसको पकड़ लिया। बहुत परेशान हो गया हूँ यार। रात को तो बांध के नहीं रख सकते इसको, तो दिन भर थोड़ा बांध के हम लोग रखते हैं, लेकिन रात को अगर बांध के रखेंगे तो तकलीफ होगा ना उसको, थोड़ा सुसु उसू करने के लिए भी। दिन में तो हम लोग खोल खाल के देते हैं, तो सुबह सुबह उठ के वो मुर्गियाँ चोरी करने जाता है। क्या ही करे, अभी रात को भी बांध के रखना पड़ेगा, नहीं तो भाई बहुत तकलीफ हो रहा है यार अपना गाउजे के लिए। ये सब आदत क्यों लगाया यार इसने। तो मतलब हमारे उधर में जो वो आया है ना बुड्ढा वाला, वो तो बहुत शांति से बैठता है, उसका जैसा शांति से बैठना चाहिए, इसको भी क्यों करते हैं यार, बहुत दुख लगता है ना। तो अभी इसको बांध के रखेंगे और क्या कहते हैं, बहुत दुख लगता है, क्या ही बताऊं। अभी इसको अभी देखने से भी बहुत दुख लगता है। और मम्मी लोग सुबह सुबह गए थे चावल लाने के लिए, पता नहीं मिला कि नहीं, नहीं मिला। अच्छा सरपंच जी व्यस्त है। और ये मान भी, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग सभी को बोलो, गुड मॉर्निंग सभी को। और ये लड्डू खाओ बोलो, लड्डू खाओ बोलो, लड्डू खाओ बोलो। मम्मी लोग आ गए और यहाँ पे जेरी क्या कर रही है, बनाना फ्लावर रोस्टिंग। अच्छा बनाना फ्लावर रोस्टिंग हैपनिंग गाइस, इसको चटनी बना के खाएंगे ना। क्या हुआ? क्या हुआ? अपना दादी माँ से प्यार करता है बहुत, लेकिन ये भी बहुत शैतान है गाइस, गाउजे की तरह ये भी शैतान है। हम सब ने जो है ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया दोस्तों, और आज इतना ठंड में नहाया, में बहुत मजा आ गया। अभी नहाया, एकदम फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है मुझे। तो अभी जो है कुछ करने को है नहीं, पॉपकॉर्न बनाऊंगा उसके बाद मूवी देखते रहेंगे, बस यही है हम लोग का दिन भर। मम्मी और ये मानवी जो अपने रूम पे, दीदी अपने रूम पे और हम अपने रूम पे बस मूवी देखते रहते हैं। तो अभी जो है मैंने एक बढ़िया जुगाड़ निकाला है दोस्तों, आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए पॉपकॉर्न, देखिए कैसे निकाला मैंने, बिल्कुल जो है पूरा गोटा गोटा निकाल दिया। एक्चुअली पूरा फ्रीज हो चुके हैं ठंड के कारण, इतना ठंड है ना, तो ये बटर वगैरह पूरा जम चुका है, तो इसलिए जो है ऐसे निकालना काफी आसान हो गया, वरना फार फूर के चेप चेप के निकालने से बहुत मुश्किल होता था। तो मैंने एक जुगाड़ निकाला, कैंची से दोनों साइड का काटा और ऐसे निकाल दिया एकदम बढ़िया से गाइस, देख सकते हैं इतना ठंडा है ना, पूरा फ्रीज हो गए। इन पॉपकॉर्न्स को खाना बहुत ही आसान है दोस्तों, बस ऐसे निकाल के आप कुकर पे दीजिए और ये पिघल जाएंगे, अपने आप फूट के तैयार हो जाएंगे। अभी इसको बस ढक देना है ताकि पॉपकॉर्न फूट फूट के बाहर ना निकले। और इधर देखिए हमारे लुकिए को पूरा, क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहे हैं, ये देखिए इसका हरकत है, प्यार कर रहे हैं मुझे प्यार। और यहाँ पे मानवी भी आ गई, क्या खाता है तुम, क्या खाता है बोलो तो, पॉपकॉर्न खाता है। पॉपकॉर्न यहाँ पे बन रहा है, पॉपकॉर्न खाएगी खाएगी। तो हमको 1 2 3 सुनाओ तो पॉपकॉर्न खाने से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाह, हो गया हो गया, बस आगे बात में सुनाना हाँ। 10 तक, वाह वेरी गुड। अभी इसको हम लोग पकाते हैं, पॉपकॉर्न खाएंगे ना, खाएंगे बोलो, खाएंगे हाँ, ये बोलो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर। वाओ फूटना स्टार्ट हो गए गाइस, सावन आ रही है अभी, वाओ वाओ फूट रहे ना, ये देखो आवाज आ रही है ना। वाओ ये देखिए पूरा फूल फूल हो गया, फूल हो गया हाँ, ये देखिए पूरा फूल। नहीं मचो मचो, बहुत गर्म है, थोड़ा दूर जाते हो, दूर हटो, हाँ बहुत गर्म है। ये लो खाओ, कैसा है, टेस्टी है, तस्ती है। तो अभी खाते हैं गाइस, आओ मानवी के लिए, ये देखो मानवी और मम्मी खाएंगे ना, जाओ अभी मूवी देखो आराम से सिनेमा हॉल में।
ये लोग का सिनेमा हॉल उधर में है गाइस, हम लोग का सिनेमा हॉल इधर में है। अभी जो है दोपहर में कुछ करने को है नहीं, पॉपकॉर्न वगैरह खाया, मूवी देखा, और फिर जो है अभी इन लोगों ने क्या बना दिया देखो, हलवा एकदम, ये बना दिया सूजी का हलवा दोस्तों। दूध दिया इसमें, कच्चा बादाम, पका बादाम सब दिया। मानवी भी खा रही है, मम्मी भी खा रही है, जेरी भी खा रही है, और रूपम भैया भी खा रहे हैं। तो अभी खाते हैं गाइस, बहुत ही ज्यादा टेस्टी हुआ है। ये देखिए सूजी का हलवा, आज मम्मी ने बनाई थी सूजी का हलवा, वो सब जो है खा लिया है हमने, अभी भी बहुत ही बचा हुआ है। तो अभी जो है मम्मी हलवा खाने के बाद जो है थोड़ा रेस्ट किया, फिर उसके बाद जो है यहाँ हम लोग का घर का आसपास में जो है इसमें वो लकड़ी वगैरह था, इसको जो है कटिंग करके रख रही है। वो देखो पूरा ग्रास वगैरह को जो है सफा कर रही है। हम लोग बहुत ही आलसी है। मम्मी जब बुधगया में गई थी ना, उस टाइम पे हम लोगों ने बारिश के वजह से कुछ भी सफा कर नहीं पाया। ये देखो ज्यादा ही जंगल जंगल है, तो मम्मी जो है वहाँ पे सफा कर रही है। वो देखो ये पुराना वाला टॉयलेट है, थोड़ा सा उसमें जंगल जंगल हो गया है, और वहाँ पर है हम लोग का घर। इस साइड का थोड़ा सा जंगल है, इसमें जो है ग्रास को मरने के लिए जो है दवाई मारना पड़ेगा, और ये वाला लकड़ी जो है मम्मी ने रख दिया है, इसको जो है धूप में सुखाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है वहाँ लकड़ी वाला घर पर रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर है दो तो बड़ा बड़ा सिमल का पेड़, इसे जो है काट दिया था वो थोड़ा थोड़ा करके मरने के लिए, तो अभी डायरेक्ट गिराने से भी बगीचे में पूरा वो लॉस्ट हो जाएगा उसका पौधा वगैरह, इसलिए जो है थोड़ा थोड़ा गिर के उसका डाली वगैरह गिरते जाता है। तो आजकल जो है बहुत ही हवा आती है, बारिश भी देती है, उस कारण जो है थोड़ा सा चिंता रहती है, भगवान कहीं हम लोग का सुपारी का पौधा जो है वो खराब ना हो जाए, बस यही चिंता रहती है। बाप रे, उधर में गए थे लकड़ी वाला वहाँ पे, तो मुझे जो है एक छिती ने काट दिया है, पूरा डेंजर वाला इंजेक्शन लगा दिया है बाप रे। तो अभी जो है थोड़ा सा चूना लगा देती हूँ उसमें, कोई कहता है ना वैसा कीड़ा काटने से जो है चूना लगा देना चाहिए। और हम लोग का घर पे ईशानी भी आई है, ये देखो मोसा का क्या बोलता है नाती हाँ, सूजी का हलवा खा रही है एंड बनाना भी खा रही है। कहाँ गया चूना, मेरा पाँव में जो है वो कीड़ा ने काटा था, तो उसमें जो है मैंने चूना लगा दिया है, ये देखो सफेद करके दिखाई दे रहा है। मम्मी जो है फिर से बाथरूम वाला साइड में जो है सफा कर रही है, पहले गर्मी का टाइम है वहाँ पे ना, एक तो स्नेक था बापरे पूरा डेंजर। और ये देखो हम लोग का मुर्गी चोर को जो है दिन भर बांध के रखा है, सुबह सुबह भी मुर्गी लेके आ गया था, उस टाइम हम लोग अपने नींद से उठे भी नहीं थे। तो अभी तो शाम होने को चला है, डिनर के लिए जो है सब्जी वगैरह थोड़ा सा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है बहुत दिन हो गया लौकी का साग जो है नहीं खा रहे, ये लो चाकू। अभी एकदम क्या बोलता है मुंडा, और कोई हंसेगा हम पे। फर्सी को मुंडा तो कहते हैं नेपाली लोग, ये तो फर्सी नहीं है, क्या बोलते हैं पंपकिन का साग, अपने लैंग्वेज में तो आगा कहते हैं, आगा एकदम मोटे मोटे वाले। और लौकी इतने लगे हुए हैं, ये देखिए बेकार है, हम लोग नहीं खाते हैं लौकी को, पूरा सर जाता है अपने आप, कोई भी नहीं खाता है, बहुत ही टेस्टलेस है। ये साग खाएंगे, थोड़ा सा है खत्म हो रहा है। उस दिन भी एक तो आंटी बीमार है ना, उन लोग का घर में सब्जी नहीं है, तो दे दिया था हमने इसको, इसको भी। ये इतना सारा मिल गया। हाँ, पर लौकी नहीं है ना। बस इसके साथ में लौकी होने से भी अच्छा हो रहा था। ओ वहाँ पे एक तो दिखाई दिया था, वहाँ पर सर गया ये तो, ये इतना बड़ा। हाँ, और यहाँ पे ये वाला सीट बहुत ही डेंजर है, तो उस साइड में नहीं जाऊंगी। आई सलामी, इश्क इश्क खोल नहीं देंगे तुमको, मजा आएगा खाने के लिए। हाँ, ये पिछले साल हम दोनों ने कलेक्ट किया था ना उसका। हाँ, मेरा चैनल पर है। हाँ, इस साल भी रखना पड़ेगा। ओ इसमें एक तो गिर गया वो। ये बारिश का सीजन में बहुत ही अच्छा काम आते हैं ये सब्जी, बहुत ही लास्टिंग होते हैं। हाँ, सिमल का फूल, तो आज उसका चटनी होगा एंड यहाँ पे साग बॉयल वो करेंगे वो साग को। तो अभी जो है साग को थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं। और हमारे घर में जो है दो नन्ना मुन्ना बच्चे आए हैं, एक मंजिता का जमाई बनने के लिए आया है, बचपन में वो दोनों मजाक करता था। ये देखो शिवो एंड ईशानी, ईशानी अभी खा रही है हलवा, तो शिवो के लिए भी अभी निकालना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों एकदम लोकल वाला साग है, बहुत ही टेस्टी होती है, तो इसमें जो है हम लोग चिल चिल के इसका जो बुढ़ा वगैरह ये है
पूरा इसका छिलका वगैरह फेंक रहे हैं, और इसको छीलने के बाद जो है थोड़ा सा अलग होता है, नहीं तो थोड़ा सा उसमें टेस्ट अलग सा होता है ना, एकदम कड़वा टाइप का होता है। और वो कौन सा वाला है, ओ छोटा छोटा वाला, हाँ ये जो छोटे छोटे वाले हैं इसे खा नहीं सकता है, इसको देने से पूरा कड़वा हो जाएगा। हम लोग जो है उसे फेंक फेंक के यहाँ पे रख रहे हैं, जो अच्छा वाला है यहाँ पे रख रहे हैं गमले पे, और वहाँ पे शिवो और ईशानी तो हलवा खा रहे हैं, तो हम दोनों बहनें जो है अभी डिनर की तैयारी करेंगे। ये देखिए दोस्तों, पूरा एक गमला हो चुका है, हमने जो है सफा कर दिया है, और यहाँ पे इतना सारा लॉस हो जाता है। देखो ना ये वाला जो बुड्ढा वाला है उसे जो है अच्छे से छीलना पड़ता है, और यहाँ पे छोटे छोटे लौकी भी फेंक दिया है, और इसे जो है थोड़ा सा बॉयल करना पड़ेगा। सीमल का फूल है ये, इसका चटनी खाएंगे। जिंदगी बहुत बोरिंग हो गया है गाइस। बहुत बोरिंग है यार, दिन भर मूवी देखते रहते हैं बस, और गावुच्चे शैतान क्या इसलिए बंडा हुआ है। तो अभी इसको जो है थोड़ा सा, अरे गंदा मत करो प्लीज, थोड़ा खोल लेता हूँ, थोड़ा तट्टी वट्टी करना होगा इसे ना। सुसु ब्रेक, हाँ सुसु ब्रेक, लेकिन इसका पुराना वाला आदत बिगड़ गया गाइस, ये अभी भी मतलब दूसरे कुत्तों की तरह ये भी टांग उठा के पेशाब करने लग गया। अरे बाप रे, बहुत जोर से लगा सुसु। बाप रे बाप गाइस, कितना देर से सुसु कर रहा है। मैं वीडियो को ऑफ कर दिया था, मैंने सोचा जल्दी हो जाएगा, कम से कम हो चुका है गाइस एक मिनट से ज्यादा, अभी भी सुसु कर रहे है। बहुत जोर का सुसु लगा होगा, ये बांध के रखा है तो वहां पे कर सकता है आराम से, क्यों नहीं किया ना, इसका आदत है। क्या हो गया, पाओ पाओ क्या हो गया बेटा। गावुज्जे पता नहीं यार कहाँ लेके जा रहा है मुझे। ये तो उल्टा हो गया यार, कुत्ता इंसान को घुमा रहा है। मुझे उसको घुमाना चाहिए, ये मुझे लेके जा रहे हैं। कहाँ जाना है बेटा, वेयर आर यू गोइंग, लगता है मानवी के घर जाना चाहते हैं। भैया के घर पहुंच गए दोस्तों, अपना दोस्त को ढूंढते हुए आया है, लेकिन भैया लोग का थोड़ा सा बैड लक है, जो भी कुत्ते वगैरह है कोई सियाल तो खा देता है इसको घर का ऊपर में रखने से। सियाल लोग बहुत होशियार होते हैं दोस्तों, गांव में बड़े बड़े सियाल आते हैं, तो वो लोग मतलब खा दिया बोला एकटू को, और एकटू बीमार से मर गया, अभी यही बचा हुआ है, अभी इसको कल जो है वैक्सीन लगा देगा। अरे डर रहे मत डरो, चलो हो गया अभी घूम लिया ना, अभी घर चलो, हो गया शाम होने को चला है, घर जाना है, चलो चलो जाओ, आजा चलो चलो। गाइस मैं घर पहुंच चुका हूं, और ऐसे ही फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था, करी मिनाती का एक रील आया है, आप लोग को थोड़ा सा दिखा देता हूं। अरे रेल लाल रेल। तो इसमें एक वर्ड है गाइस, हरी रेल लाल रेल, आपको ये स्पीड में बोलना है, मैं ट्राई किया, हंसते हंसते लुटपोट हो गया। हरी रेल लाल रेल, आपको पूरा मतलब कंटिन्यूसली बोलते रहना है, एक मिनट तक बोल पाते हो क्या, ट्राई करना। हरी रेल लाल रेल, 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 हरी रेल लाल रेल। नहीं होगा, आप लोगों से भी नहीं हो पाएगा, अभी ट्राई करना गाइस। हरी रेल लाल रेल, हरी रेल लाल रेल, हरी रेल लाल रेल, हरी रेल, नहीं होगा, ट्राई करना गाइस, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, वहां से ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करना। हरी रेल लाल रेल, हरी रेल हरी हरी रेल लाल रेल, हरी रेल लाल रेल, हरी रेल लाल रेल, नहीं होगा ना बोटे। तो गाइस अभी डिनर का टाइम आ गया, तो आज सब लोग डिनर बना रहे हैं, जेरी और मैं क्या बना रही हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ सिमल का फूल जो है बॉयल कर रही हूँ, ये देखो इसका जो जूस है, हाँ इसका जूस निकल गया, तुम इसका कलर देखो एकदम कैसे कैसे हो गया ना काला काला, और यहाँ जो है जेरी मिर्च की कुदाई कर रही है, हाँ इसको जो है अंडा के साथ वो चटनी बना के खाएंगे, मिर्च का चटनी अंडा के साथ, yes. आज जो है ड्राई फिश के साथ नहीं खाएंगे, कितना खाएंगे ना, हाँ आज ड्राई फिश नहीं खाएंगे, बहुत ही बोर हो गया, और ये साग को भी मैं पकाऊंगी विदाउट ड्राई फिश, उसमें प्याज डालूंगी मैं, ओनली बॉयल। अभी ये जो सिमल का फूल है उसको वॉश करनी पड़ेगी अच्छे से, और छोटा छोटा कटिंग भी करना पड़ेगा, उसमें जो है थोड़ा सा अंदर पे वो क्या रहते है, एक तो वो गुटी रहता है ना उसको फेंकना पड़ता है, फूल का, हाँ फूल कहाँ गया, ये अभी वॉश करने का बाद गिर गया ये, रहता है ना बीच बीच, हाँ हाँ तो उसे जो है काटना पड़ेगा, और मम्मी जो है यहाँ पे साउथ मूवी देख देख के पूरा ड्राई फिश को कटिंग कर रही है, ये देखो यहाँ पर बढ़िया है। मिर्च को जो है मैंने खुद के यहाँ पे रख दिया है, और दीदी बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है डायरेक्ट अंडे को इसके साथ मिक्स करना पड़ेगा, पहले मैंने दिया था दो टू अंडा, अभी एक टू से हो जाएगा, आज हमारी रानू दीदी
स्पेशल करके मिर्च का चटनी बना रही है ये देखो। और यहाँ पर कढ़ाई को भी दे दिया है, उसमें तेल देना पड़ेगा। हाँ। ये देखो रेसिपीज देख लो कैसे कैसे खाते हैं हम। हल्दी हल्दी में तेल में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उसमें देने से स्मेल नहीं आता है, अच्छे से मिल जाता है अंडे में ना, हल्दी अच्छे से मिक्स नहीं होता। यहाँ पे मैंने ये साग को बॉईल करने के लिए पानी भी दे दिया, इसमें बस नमक और प्याज दिया है मैंने। ड्राई फिश मतलब कम खाने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कम खाएंगे। इतना पानी ना। हाँ, इसको मैंने इतना देर धो के निचोड़ के रखा था, फिर से पानी निकल गया। डिनर में जो है सब्जी रेडी हो चुका है, अभी जो है हम लोग डिनर करेंगे। और यहाँ पर जो है मैं हम चारों के लिए अंडा ऑमलेट बना रही हूँ। ये देखिए चार तो अंडा दे दिया है इसमें पूरा एकदम मस्त करके। ये देखो हो गया है लगभग। इसमें जो है नमक भी दे दिया है, अभी इसको एकदम हाथ से मिक्स करना पड़ेगा। जब तक इसको ना हाथ से मिक्स नहीं करेगा तो उसका असली स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि चम्मच से इतना मैश नहीं होते इसको। टेस्टी होगा ना पूरा एक सालों के बाद। एक सालों के बाद साग भी एकदम हरा हरा देखो ना, मीठा है साग। चलो अभी निकाल लेते हैं डिनर। मम्मी को जो है नींद भी आ रही है, दिन भर काम कर रही है ना मम्मी, पूरा थक गई है। अभी जो है डिनर करने का टाइम है दोस्तों। आज जो है बहुत बोरिंग था, ज्यादातर ब्लॉग जो है इन दोनों को मैंने फिनिश करने के लिए दिया। आज लड़की पार्टी ब्लॉगिंग किया और ये लोगों ने आज क्या क्या तैयार किया देख सकते हैं। यहाँ पे सिमल फ्लावर का एकदम चटनी और यहाँ पे पता नहीं क्या है ये, अंडा का चटनी और यहाँ पे ये क्या कहते हैं लौकी के साग। क्या दोनों जो है हम लोग एक ब्लॉग कंप्लीट कर नहीं पाए, कंटेंट नहीं है ना, क्या ही बनाएंगे। हाँ कोई बात नहीं। अरे यहाँ पे इसका वो नाम क्या था, सनी एक साइड क्या था, सनी साइड एक ना क्या पता नहीं क्या है। तो अभी खाते हैं गाइस इसके साथ आज का डिनर। तो अभी कुछ दिखाने को तो है नहीं, बस डिनर करेंगे और सो जाएंगे। दिन भर मूवी देख रहा हूँ मैं तो, वेब सीरीज वगैरह। तो आज के लिए बस इतना दोस्तों, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।